इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास एंड्रॉयड स्फिग्मोमैनोमीटर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, मशीन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो बेसिकली हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक है इसका इन्फ्लेटेबल कफ। इन्फ्लेटेबल कफ के साथ हमारे पास मौजूद है ये ट्यूबिंग्स। इन्फ्लेटेबल कफ के साथ ये ट्यूबिंग्स मौजूद हैं। ट्यूबिंग के बाद हमारे पास एक पंप है जिसके ज़रिए हम एयर इन्फ्लेट करते हैं। पंप के साथ हमारे पास ये लगा हुआ एक नॉब, इस नॉब से को हम टाइट करके एयर इन्फ्लेट करेंगे अपने कफ के अंदर। बेसिकली कफ हम लगाते किधर होते हैं, हम पेशेंट के ब्रेकियम के ऊपर, पेशेंट के आर्म के ऊपर लगाते हैं और कंप्रेस करनी होती है हमें बेसिकली ब्रेकियल आर्टरी, जो कि हार्ट से ब्लड लेकर आ रही होती है टूवर्ड्स हमारे आर्म की तरफ। इसके अलावा इसके साथ मौजूद होता है एक डायल, इस डायल के ऊपर बेसिकली हमारे पास मार्किंग्स मौजूद हैं। ये लिखा हुआ है जैसे स्फिग्मोमैनोमीटर, तो इस स्फिग्मोमैनोमीटर के ऊपर बेसिकली हमारे पास मार्किंग्स आती है। इस नीडल की मूवमेंट जो है वो इंडिकेट करेगी हमारे पास कि आया ब्लड प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक है या डायास्टोलिक है। डिफरेंट हम ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट्स इससे ले सकते हैं। डिफरेंट ब्लड प्रेशर के हमारे पास वैल्यूज आ सकती हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जो हम एक एवरेज वैल्यू लेते होते हैं। इससे कम हो जाएगी तो वो हाइपरटेंशन की केस में आएगी, दैट इज़ लो ब्लड प्रेशर। इससे ज़्यादा हो जाएगी तो वो हाई ब्लड प्रेशर की केस में आएगी, जिसको हम रेफर कर सकते हैं हाइपरटेंशन। और अगर ब्लड प्रेशर की वैल्यू हमारे पास 160 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या 220 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा रेस कर जाती है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर दैट इज़, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, दैट इज़ पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन। ये हमारे पास स्फिग्मोमैनोमीटर की सेकेंड टाइप जो हमने पढ़ी थी कि मैनुअल होती है और डिजिटल होती है। मैनुअल आगे बेसिकली दो टाइप्स की बताई थी हमने, एक मर्करी स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, एक एंड्रॉयड स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। डिजिटल में हमारे पास एक ओमरॉन की मशीन मौजूद है, इसके अंदर हमें ऑस्कल्टेटरी किसी भी डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर हमारे पास कोई डायल नहीं है, हमारे पास कोई नॉब नहीं है जिसको हमें टाइट करना हो और एयर फिल करनी हो। बेसिकली हमारे पास ये एक पूरा ऑपरेटर्स मौजूद है, कि हमारे पास इसका मॉनिटर है और ये हमारे पास इन्फ्लेटेबल कफ है, साथ इसके ट्यूबिंग्स हैं। ये ट्यूबिंग इस मशीन से इस पॉइंट के ज़रिए कनेक्टेड है। बेसिकली इसमें होगा क्या कि हमने इसके अंदर सेल डाले हैं, सेल डालने के बाद हमने स्टार्ट पे क्लिक किया और बेसिकली अब ये जो हमारे पास कफ है ये खुद इन्फ्लेट करेगा बेसिकली इस मशीन के ज़रिए। और ये मशीन जो है वो हमारे पास इंडिकेट कर देगी ब्लड प्रेशर को, और हमारे पास इस डिवाइस के ऊपर मॉनिटर के ऊपर हमारे पास रीडिंग्स आ जाएंगी, जो सिस्टोलिक फेज है वो रिप्रेजेंट करेगा बेसिकली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, डायास्टोलिक जो है वो डायास्टोलिक ब्लड प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अंदर हमारे पास एक एडिशनल फीचर भी मौजूद है, दैट जो कि पल्स का है, और हम इससे पेशेंट की पल्स भी ले सकते हैं।